गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें मैथमेटिक्स में, क्या पढ़ाएंगे आज आपको? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन अभी प्राइमरी क्लास में जो यूज होते हैं नंबर सिस्टम, आज उनको पढ़ाएंगे, जिसमें कि इवन नंबर, ऑड नंबर और आपके जो हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आते हैं। तो आज आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे, इसके बारे में आप समझोगे नंबर सिस्टम। इसके बाद आगे आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, पर्सनल नंबर, ये सब चीज़ें आगे पढ़ाई जाएंगी तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, जो कि सेकेंडरी क्लास में आएगा, वो आपका छठी से दसवीं तक के बच्चों के लिए वो ज़रूरी है। दूसरा आपको समझाएंगे एडिशनल मैथ के सिंपल फॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ काउंटिंग लिखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ये ट्वेंटी तक आपके। तो यहाँ पर हमने एक से और बीस तक गिनतियाँ लिख दी हैं, वन टू ट्वेंटी नंबर्स। अब हम एक मुख्य रूप समझेंगे कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम इवन नंबर में। इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या। क्या आप लोग जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं? समझते हो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या होती है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए और कुछ भी शेष ना बचे। जैसे कि आपका भाग जाएगा दो चार छः आठ, दो से तुम भाग देना शुरू करते हैं, ठीक है? तो आपने भाग दिया, जैसे आपने चार में भाग दिया, यहाँ पे आप चार से भाग दे रहे हैं, चार में दो से भाग दे रहे हैं, दो दुनी चार, टू टू जा फोर, तो ये टू टू जा फोर हो गया, आपका पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। तो इसे कहते हैं कि ये फोर जो है यहाँ पर, ये फोर क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर। तो ये फोर क्या है? इवन नंबर। अगर हम फाइव की बात करें, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइव, यहाँ से दो से आपने भाग किया, टू टू जा फोर, फाइव में से फोर घटाएंगे वन बचेगा, टू टू जा फोर, फाइव में से फोर गया वन बचा, ये एक शेष बच गया। तो जो ये एक शेष बच गया है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो फाइव क्या है? ऑड नंबर है, ओ डबल डी ऑड, तो ये ऑड नंबर आ गया फाइव। तो फाइव क्या है? ऑड नंबर, क्योंकि ये दो से हमने जब भाग किया, टू टू जा फोर, फाइव में से फोर गया तो एक बच गया हमारा, वन रिमाइंड बच गया हमारा, एक शेष बचा। तो ये हमारा पार्ट में एक शेष बच जाता है जब, तो उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, और हिंदी में कहते हैं इसे विषम संख्या। अब देखिए सम संख्या
देखिए इस ईवन और ऑड नंबर का जो प्रयोग सबसे पहले किया था, प्रैक्टिकल रूप जो किया गया था, तो प्रैक्टिकल रूप इसका जो होता वो तब हुआ था जब दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कहा कि भाई ये जो ऑड नंबर की गाड़ियां हैं ये ऑड तारीख को चलेंगी और जो ईवन नंबर की गाड़ियां हैं वो ईवन तारीख को चलेंगी। तो उसमें ये देखते थे कि आज कितनी तारीख है, आज ऑड नंबर है, यानी आज की तारीख जो है 1 3 5 7 9 है, तो आपकी गाड़ी अगर वैसी 1 3 5 7 9 वाली है तो वो आज चलेगी, और अगर आपकी गाड़ी का आखिरी अक्षर ईवन है, उसके आखिर में 2 4 6 8 0 है, तो वो ऑड तारीख को ही चलेगी। अगर 6 तारीख है तो ईवन नंबर की गाड़ी चलेगी और 7 तारीख है तो ऑड नंबर की कार चलेगी, गाड़ी चलेगी। तो इस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल रूप जो सबसे बड़े रूप में आया था सामने वो तब आया था जब एक अनजान आदमी भी पूछने लगा था कि ये ईवन नंबर क्या होता है, ये ऑड नंबर क्या होता है, तब उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और हमें हम तो पढ़ाते थे हमें पता है, लेकिन उन लोगों को जिनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था ऑड ईवन नंबर से, उन्हें भी पहली बार ये पता चला कि ईवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, तो इसकी महत्व पता लगा। अब हम चलते हैं आगे दूसरी क्लास में, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि किस किस समझ में नहीं आए, किस किस बच्चे की समझ में नहीं आया अभी तक, वो हाथ खड़ा करो। चलो मैं अभी क्रॉस क्वेश्चन करके पूछूंगा आप लोगों से, फिर पता चलेगा किसको समझ में आया और किसको नहीं आया। अब यहाँ पर आप इसका प्रैक्टिकल रूप देखिए, यहाँ पर एक एक संख्या छोड़ करके भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक को अंडरलाइन किया, एक, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, दो को छोड़ दो, तीन आ गया, तीन को अंडरलाइन कर दो, चार को छोड़ दो, पाँच को अंडरलाइन कर दो, छः को छोड़ दो, सात को अंडरलाइन कर दो, आठ को छोड़ दो, नौ को अंडरलाइन कर दो, दस को छोड़ दो, ग्यारह को अंडरलाइन कर दो, बारह को छोड़ दो, तेरह को अंडरलाइन कर दो, चौदह को छोड़ दो, पंद्रह को अंडरलाइन करो, सोलह को छोड़ो, सत्रह को अंडरलाइन करो, अठारह को छोड़ो, उन्नीस को अंडरलाइन करो। इस प्रकार से जो जो ये अंडरलाइन हो गए, जिनके नीचे लाइन खींच दी हमने, ये सारी ऑड नंबर हैं जिनके नीचे लाइन खींच दी है, और जिनके नीचे लाइन नहीं खींची है वो सारे ईवन नंबर हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये ईवन नंबर हैं जिनके नीचे लाइन नहीं खींची, और जिनके आगे लाइन खींची हुई नीचे वो ऑड नंबर हैं। तो इससे तुम्हें पता चलता है ऑड नंबर क्या होता है और ईवन नंबर क्या होता है। ऑनलाइन यस, तुम खड़े जाओ, ये बताओ ये 13 ऑड है कि ईवन है, ऑड, और 14 ईवन, गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ कैसे पता लगेगा कि ईवन नंबर कौन सा होता है और ऑड नंबर कौन सा होता है, खड़े जाओ। जिसके आखिर में 1 3 5 7 9 आते हैं उसको ऑड नंबर कहते हैं। यस, बैठ जाओ, ठीक है। यस, तुम बताओ ईवन नंबर किसे कहते हैं, ये तो सब पका गया है, इतनी देर से सुन क्या रहा है तू, बदतमीज। तुम बताओ किसे कहते हैं ईवन नंबर, गुड, समझ में आया, क्या है समझ में, जिनके अंत में क्या होता है, जिनके अंत में भैंस बंदी होती है, है? किसे कहते हैं ईवन नंबर, हाँ वो नहीं बोलते, वो जीरो है, 0 2 4 6 8 है, वो 0 2 4 8 0। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 ये लिखा है यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 0 2 4 6 8 हो वो होते हैं ईवन नंबर। और अगर कोई बड़ी संख्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये है 453, यहाँ पर है 453, तो इसके आखिरी अक्षर देखेंगे, आखिरी अक्षर क्या है, 3, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। इसके आखिरी अक्षर क्या है, 4712, आखिरी अक्षर है 2, तो इसे क्या कहेंगे, ईवन नंबर, क्योंकि इसके आखिर में 2 है, तो इसके आखिर में 2 है
तो ये 0-2 वाले, ये 0-2 वाले क्या हैं, तो ये क्या है, ईवन नंबर है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनके आखिर में क्या होता है, 1-3-5-7-9 हो, वो हमारे पास होते हैं ऑड नंबर। अब चलते हैं हम प्राइम नंबर, PRIME। नंबर प्राइम नंबर, इसे कहते हैं अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या में किसी का भी भाग ना जाए, सिंपल कहें तो जिस संख्या में किसी का भी भाग ना जाए उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जिस संख्या में एक और उसी संख्या और में केवल, यहाँ पे केवल और कर दीजिए, केवल जिस संख्या में केवल, इसको मिटा के दोबारा लिख देते हैं, ठीक है ना, जिस संख्या में केवल एक से और उसी संख्या से और उसी संख्या से भाग जाए, अन्य किसी संख्या से न जाए, अन्य किसी संख्या से न जाए, तो जिस संख्या में केवल एक से और उसी संख्या से भाग जाए, अन्य किसी संख्या से भाग न जाए। जैसे यहाँ पे देखिए आप कि एक संख्या है मान लो 7, 7 में किसका भाग जाता है, अगर 7 देखोगे 7 से छोटी संख्या एक है, उसका भाग एक आ जाएगा, एक तो एक का भाग सब में जाता है, ठीक है ना, 5 1 5, 7 1 7, 9 1 9, कुछ भी हो एक का भाग सब में जाता है। अब 7 1 7, तो ये 7 का भाग सब में जाता है, या तो उसी संख्या से भाग जाएगा या एक से भाग जाएगा, तो वो 7 है जिसमें उस एक से जाएगा भाग, या उसी संख्या यानी 7 से ही भाग जाएगा, बाकी और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। कैसे, 2 से भाग दोगे 7 में, नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, 2 3 6 एक बच जाएगा, 3 से दोगे 3 3 3 2 6 नहीं जा रहा, 4 से दोगे तो 4 2 8 होता, ज़्यादा हो गया, 5 से जाएगा नहीं, 5 1 5, 5 2 10, ये 7 है, 7 में भाग नहीं जाता, इसके बाद 6 1 6, ये 7 है, फिर 7 से भाग जाएगा, 7 1 7, तो उसी संख्या से भाग जा रहा है और एक जाता है एक से। ऐसी हर संख्या होती है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जिसमें इन दोनों का भाग नहीं जाता, तो इनका भाग तो सब में ही जाता है, ठीक है ना, एक का भाग सब में जाता है चाहे कोई भी संख्या हो, और उसी संख्या से भी गुणा करेंगे तो भी उतना ही होगा, क्योंकि
सात से भाग देंगे तो सात एकम सात, सेवन वन जा सेवन, तो उसी संख्या से भाग जाना चाहिए या एक से भाग जा और एक से भाग जाना चाहिए, वो होती है प्राइम नंबर। और किसी संख्या से भाग ना जाए, जैसे तीन से नहीं जा रहा, चार से नहीं जा रहा, पाँच से नहीं जा रहा, केवल सात से ही जा रहा है, तो इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या पर अब हम आते हैं, अब आते हैं जो कंपोजिट नंबर होती है, कंपोजिट नंबर सी ओ एम पी ओ एस आई टी ई, कंपोजिट नंबर। नंबर एन यू एम बी ई आर, इसे कहते हैं भाज्य संख्या, हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। यानी जिस संख्या में एक और उसी संख्या भाग जाता ही है लेकिन अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है, तो ऐसी संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी जिस संख्या में एक से और उसी संख्या से एक से और उसी संख्या से भाग जाता है और अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है, और अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है। यानी एक से और उसी संख्या से तो भाग जाएगा ही, बाकी संख्याओं से भी भाग जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे उदाहरण आठ का, आठ है तो आठ में आप अगर आठ को दो से भाग दोगे, दो से जा रहा है, दो से जाएगा भाग, आठ को दो से भाग करोगे तो टू फोर जा एट, कितनी बार जाएगा, चार बार, ठीक है ना, टू फोर जा एट। इसी प्रकार से अगर आठ को हम चार से भाग करेंगे तो फोर टू जा एट, कितनी बार जाएगा, दो बार। इसी प्रकार से अब एट से हमने एक बार करा तो एट वन जा एट, ठीक है ना, और एट से करेंगे, एट को एट से भाग करेंगे तो एट वन जा एट, वन आ गया। तो एट में कई बार भाग जा रहा है, यानी वन से और एट से तो जा ही रहा है भाग, बाकी और संख्याओं से भी जा रहा है, टू से भी जा रहा है, फोर से भी जा रहा है, तो इसलिए ये संख्या जो होती है इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और यह आता है हमारा ऑड नंबर, सेवन वन जा सेवन, इसमें सिर्फ सेवन का भाग जाएगा और वन से भाग जाएगा, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्राइम नंबर, पी आर आई एम ई, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर हो गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, इसमें एट से एट वन जा से भी जाता है, एट टू जैसे भी जा रहा है, एट फोर जैसे भी, एट एट जैसे भी जाएगा, तो ये सबसे भाग जा रहा है, इसलिए ये, यानी जिसमें एक से उसी संख्या से तो जा ही रहा है, बाकी अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है,
उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंपोजिट नंबर। अब अगर हम एक से और बीस तक की संख्याओं में देखें तो एक से बीस तक की संख्याएं हम यहाँ पे खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमने 20 तक लाइनें खींच दी है। अब हम इसमें बताते हैं कि कौन सी इवन नंबर है और कौन सी ऑड नंबर है। अब तुम देखोगे, आप अभी 1, 2 को छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4 थोड़ा कन्फ्यूजेबल है, अब इसके बारे में मैं समझाऊंगा। आप यहाँ 5 से स्टार्ट कर दीजिए, 5 जो है, 5 में और किस किस का भाग जाता है देखिए, 5 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाता है और 5 का जाता है, तो सब मिल जाता है। और किस संख्या का भाग जाता है 5 में, पता है कोई, हाथ खड़ा करो, पता है किस संख्या का भाग जाता है, नहीं पता, होती ही नहीं कोई संख्या, केवल 5 का ही भाग जाता है बस, और 1 का ही जाता है, इसीलिए क्या है, प्राइम नंबर है। इसके ऊपर हम लाइन खींच देते हैं, ये प्राइम नंबर है। फिर 6 है, 6, इसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, सबका भाग जाता है, इसलिए ये क्या है, क्या ये कंपोजिट नंबर है। 7 में भी बताया था हमने, वो प्राइम नंबर है, इसके भी लाइन खींच दीजिए, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 8 क्या है, कंपोजिट नंबर, इसमें 1 का अभी दिखाया था हमने, 8 में 1 का, 2 का और 4 का सबका भाग जाता है। 9 में, 9 देखो है तो ऑड नंबर, ये है तो ऑड नंबर लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है, 3 × 3 = 9, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 10 भी कंपोजिट नंबर है। इसे तुम देखोगे, तुम्हें लगभग सारे के सारे जो इवन नंबर है वो तो कंपोजिट है ही, जो इवन है वो तो कंपोजिट तो इवन है ही, लेकिन कुछ इसमें ऑड जो है वो भी हमारे कंपोजिट नंबर है, जैसे कि 9 था, तो 9 के अंदर क्या हुआ कि 3 × 3 = 9, इसके 3 का भाग जाता है, 1 और 9 का तो जाता ही है इसमें, लेकिन 3 का भी जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 10 भी कंपोजिट नंबर है, इसमें 2 का भाग भी जाता है, 1 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 11 ये हमारा प्राइम नंबर आ गया, इसमें सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 11 का जाएगा, और किसी का भाग नहीं जाता, 1 का जाएगा और 11 का, और किसी का भाग नहीं जाता, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6, 7, 8, 9 कोई नहीं जाता, 12 में भाग जाएगा, 13 में भी नहीं जाएगा, तो ये 13 भी क्या है, ये भी हमारी प्राइम नंबर है। उसके बाद 14 कंपोजिट नंबर आ गई, 15 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें 5 का भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 16 भी कंपोजिट नंबर है, 7 फिर प्राइम नंबर आ गई, 17 प्राइम नंबर, फिर 18 हमारी कंपोजिट आ गई। ये तो सम संख्या वाली जो हमारी इवन नंबर है वो तो मोस्टली सारी की सारी होती है, केवल ये जो 2 है यहाँ पर, ये 2 नहीं होता, ये है तो इवन नंबर लेकिन ये कंपोजिट नहीं है, ये बात समझने की है, बहुत ध्यान से समझने की है। और आपको एक और बात बता दें, जो ये 1 है ये ना तो इवन नंबर है ना ये ऑड नंबर है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना 1 इवन नंबर है ना ऑड नंबर है, ये तो दोनों से गया। और उसके बाद आया 2, तो 2 हमारी इवन नंबर है लेकिन ये 2 हमारा जो है, 2 हमारी ना प्राइम नंबर है और ना हमारा कंपोजिट नंबर है, सॉरी, ये 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये केवल एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, केवल एक ही संख्या है ऐसी, 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और 1 ये ना तो प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, ये तो दोनों में से ही गया, ना तो ये इवन है ना ये प्राइम है
नए कंपोजिट है, और दो जो है, दो है तो सम संख्या इवन नंबर, बाकी सारे इवन नंबर जो है कंपोजिट है सारे, आगे भी जितने भी होंगे नंबर गिनती चलती जाएगी, सारे के सारे कंपोजिट नंबर है इवन, क्योंकि उसमें धोखा भाग जाता है। लेकिन यही एक ऐसी दो संख्या है जो कि इवन नंबर भी है लेकिन फिर भी वो प्राइम नंबर है, ये इसकी खासियत है। अब आते तीन पे, तो तीन भी हमारा प्राइम नंबर है, तीन का भी भाग किसी में नहीं जाता, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है, तो ये भी प्राइम नंबर है, इस पर भी लाइन खींच दो, इस पर भी लाइन खींच दो, दो पे भी, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, तो गिनती में सबसे छोटा इवन नंबर है चार, ये सबसे छोटा है। तो अगर ये कहा जाए कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है चार। समझे बात, इवन तो ही हो लेकिन कंपोजिट सबसे छोटा है ये, क्योंकि इसके बाद इवन नंबर दो है, लेकिन वो दो जो है प्राइम नंबर है, इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है, एक नहीं है, क्योंकि एक तो कुछ है ही नहीं, एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो इन चार को ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 में। मैक्सिमम आपके इर्द गिर्द में जो बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हो, और बच्चों से कि भाई सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर कौन सा होता है, तो वो इसमें जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि एक नंबर ऑड है, इवन है, क्या है, ये प्राइम है या कंपोजिट है, वो इसमें धोखा खा जाते हैं, क्योंकि एक न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, एक दूसरा ऑड नंबर है। क्या नंबर है? ऑड, ऑड तो है ही, ये इवन नंबर है दूसरा। वहाँ देखोगे तुम एक नंबर और था, उसके बाद दो नंबर हमारा वो, दो नंबर हमारा इवन है, तीन और है, चार इवन है। यहाँ पर जो है दो नंबर जो है वो इवन तो है परंतु वो क्या है, प्राइम नंबर है। फिर तीन भी प्राइम है, चार हमारा प्राइम नहीं है, तो चार वो संख्या है छोटी से छोटी जो कि प्राइम है। बाकी इसके बाद सारी संख्याएं तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि जिसमें किसी का भाग जाता है वह संख्या, जिसमें भाग जाता है वह संख्या क्या होती है, कंपोजिट होती है, और जिसमें केवल एक का और उसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है ना, यानी जिस संख्या में केवल एक और उसी संख्या से भाग जाए, अन्य किसी संख्या से भाग न जाए, तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जिसमें और उसे भी भाग जाए, तो कंपोजिट नंबर होता है जिस संख्या में एक से और उसी संख्या से भाग जाता है और अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था आठ, तो आठ में एक से भी जा रहा था, आठ से भी, लेकिन अन्य संख्याओं से भी भाग जा रहा है, दो से भी जा रहा था और चार से भी भाग जा रहा था, तो ये हमारा है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। इसमें कभी कभी मैं मिस वो कर देता हूँ, कंपोजिट की जगह इवन भी बोल दिया मैंने बीच में, पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, मैंने उसको रिपीट करके सही कर दिया, करेक्शन कर दिया था। तो ये आप ये ध्यान रखिए कि ये हमारी संख्याएं हैं यहाँ पर, तो एक क्या संख्या है हमारी, क्या है, एक कुछ भी नहीं है, ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। दो क्या है, प्राइम नंबर। तीन क्या है बताओ, तुम बताओ सूरज, क्या है तीन, है ये कंपोजिट है, ये तीन बदतमीज। अरे इस समय प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में से पूछ रहा हूँ मैं, इन दोनों में से कौन सा है तीन,
प्राइम नंबर है। चार चार भी प्राइम नंबर है। फिर क्या है चार? कंपोजिट। पांच प्राइम। जिनके ऊपर हमने डंडे खींचे हुए सारे प्राइम तो हैं। अभी हम तुम्हें समझाए थे ना कि इन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाता। जैसे पांच है, पांच में केवल एक का जाएगा और पांच का जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। न तो एक का जाएगा, न दो का जाएगा, न तीन का भाग जा रहा है पांच में, न चार का जा रहा है, इसीलिए वो ऐसी संख्या है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, मैं तुम्हें बताया मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए कि जितने भी इवन नंबर हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनके आखिर में दो चार छः आठ जीरो होते हैं, तो उन सब में भाग जाता है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जो इवन नंबर है उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सारे के सारे कंपोजिट हैं ही, केवल दो को छोड़ के। दो यहाँ पर अपवाद है, दो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नहीं है दो, बाकी सारे कंपोजिट हैं। जितने भी इवन नंबर हैं सारे कंपोजिट हैं, लेकिन दो को छोड़ दें। अब आप देखोगे पाँच, पाँच ने बताया सिर्फ पाँच का भाग जाता है, एक का भाग जाता है और किसी का भाग जाता ही नहीं है। छः में दो का, तीन का, सबका जाता है, तो ये तो वैसे इवन नंबर है, इवन तो वैसे ही कंपोजिट होती है, ठीक है ना। सात क्या है? सात प्राइम नंबर। आठ, आठ क्या है? कंपोजिट। नौ, नौ भी कंपोजिट। दस, ग्यारह प्राइम। बारह कंपोजिट। तेरह प्राइम, कंपोजिट नहीं है ये, इसमें किसी का भाग नहीं जाता तेरह में। थर्टीन वन जा थर्टीन, बस बाकी किसी का नहीं जाता इसमें भाग। ये फोर्टीन कंपोजिट। फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन प्राइम, क्योंकि इसके ऊपर लाइन खींचगी, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, केवल सत्रह का जाता है। सेवनटीन वन जा सेवनटीन, बाकी और किसी का भाग नहीं जाता, सत्रह एकम सत्रह, ठीक है ना। एटीन कंपोजिट। नाइनटीन, नाइनटीन भी प्राइम नंबर है, ठीक। और ट्वेंटी कंपोजिट। तो इस प्रकार से ये संख्याएं देखी जाती है, लगभग 25 संख्याएं हैं जो 1 से 100 के बीच में प्राइम हैं। कितनी संख्या? लगभग 25, 25 संख्याएं हैं जो कि प्राइम हैं 1 से 100 के बीच में। तो अब देखिए, आपको समझाया हमने चार चीज़ें यहाँ पे। सबसे पहले समझाया हमने आपको इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? जिनके अंत में दो चार छः आठ जीरो हो, यानी वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए और कुछ भी शेष ना बचे। जिन संख्याओं के अंत में जीरो दो चार छः आठ हो, इसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या, जिस संख्या के दो का पूरा पूरा भाग ना जाए, एक शेष बच जाए, अर्थात जिन संख्याओं के अंत में एक तीन पाँच सात नौ हो, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। फिर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, जिन संख्या जिस संख्या में केवल एक से और उसी संख्या से भाग जाए, अन्य किसी संख्या से न जाए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। फिर आखिर में आता है कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या, जिस संख्या में एक से और उसी संख्या से भाग जाता है, तो जाता ही है, ठीक है ना, जाता ही है, कर दीजिए इसे, इससे तो जाता ही है, जाता ही है, और अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है,
और अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया था, आठ जो है वो कंपोजिट नंबर है, एक से भी भाग जा रहा है, दो से भी भाग जा रहा है, चार से भी जा रहा है, आठ से भी जा रहा है। तो उसी संख्या यानी आठ से तो भाग जा रहे हैं, सब में जाता है, एक का भी भाग जाता है सब में, क्योंकि वो संख्या सब भाग जाता ही है, लेकिन यहाँ पर दो का भाग भी जा रहा है, चार से भी जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसके जो तीन रूल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, उसको लिखवा देते हैं यहाँ पे, और वो क्या है, पहला देखिए, पहला आपका है एक, ना तो प्राइम नंबर है एक, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। दूसरा नियम, दो, दो ही केवल एकमात्र, दो ही केवल ऐसी संख्या है दो ही केवल ऐसी संख्या है जो इवन भी है, बोलो मत साथ साथ, इवन भी है और प्राइम भी। तो दो ही केवल ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी, बाकी सभी इवन संख्याएं कंपोजिट होती हैं, बाकी सभी इवन नंबर बाकी सभी इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं अब आता है तीसरा, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर चार होता है। समझ आई बात? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार होता है। ये तीन बातें तुम्हें जो है याद रखनी चाहिए, और सबसे छोटा प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर दो होता है।
अब एक बार फिर दोबारा समझा रहा हूँ मैं, दोबारा समझ लीजिए जो बच्चे ठीक से नहीं समझ पाए, के प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिस संख्या में केवल एक से और उसी संख्या से भाग जाए, अन्य किसी संख्या से ना जाए, केवल उसी संख्या से जाए और उसी संख्या से जाए और एक से जाए, बाकी और किसी से ना जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे सेवन है, सेवन का भाग केवल सेवन से ही जाता है या फिर वन से जाता है और किसी से नहीं जाता, इसीलिए इसे प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा आता है कंपोजिट नंबर, ये चौथा, सॉरी पहला इवन था, फिर ऑड, फिर प्राइम, फिर कंपोजिट, फिर कंपोजिट चौथा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या जिस संख्या में एक से और उसी संख्या से भाग जाता ही है और अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है, यानी अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि यहाँ हमने उदाहरण दिया था आपको आठ का, कि आठ में दो से भाग दिया चार, चार से भाग दिया दो, आठ में एक से भाग दिया आठ आ गया, और आठ में आठ से भाग दिया तो एक आया, एट टू से दिया तो टू फोर जा एट, चार से दिया तो फोर टू जा एट, एक से दिया एट वन जा एट, और एट से दिया तो एट वन जा एट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये दो बातें होगी, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब इसमें चार नियम हैं, पहला ये है कि एक जो वन है वो न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। दूसरा, केवल दो ही केवल ऐसी संख्या होती है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सभी इवन नंबर्स कंपोजिट होते हैं। तीसरा, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर चार होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो होता है। हाँ तुम बताओ सूरज, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसमें एक का और उसी संख्या का भाग जाए। और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? सात का नहीं, उसी संख्या का, जैसे पंद्रह है तो पंद्रह का, पंद्रह में देखेंगे हम तो पंद्रह में एक का भाग भी जा रहा है, पंद्रह का भी जा रहा है, और साथ में तीन का भी जा रहा है, पांच का भी जा रहा है, तो वो हमारी कंपोजिट नंबर है। लेकिन सत्रह जो है उसमें केवल एक का भाग जाएगा और सत्रह का भाग जाएगा, बाकी और किसी का नहीं जाएगा, ना पाँच का जाएगा, ना छः का जाएगा, ना सात का जाएगा। हाँ तुम बताओ क्या होता है कंपोजिट नंबर? हाँ एक से और उसी संख्या से भाग जाए, अन्य संख्या से भी भाग जाए, कंपोजिट नंबर, और अन्य संख्या से भी भाग जाए, ठीक है ना। यानी एक तो उसी संख्या से आ जाता है, जैसे हम देख रहे हैं कि सत्रह, तो सत्रह में सत्रह से तो भाग जाएगा ही, सत्रह वन सेवनटीन वन जा सेवनटीन, यानी सत्रह एकम सत्रह, तो एक तो उसी संख्या से भाग जा रहा है, एक एक से जा रहा है भाग, तो उसे कहते हैं हम, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन अगर किसी और संख्या से भी भाग चला जाए, तो सत्रह में तो किसी से जाता नहीं है, लेकिन पंद्रह जो है उसमें चला जाता है, पंद्रह में तीन से भी भाग जाता है और पाँच से भी भाग जाता है। हाँ तुम बताओ भाई किसे कहते हैं प्राइम नंबर? और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अन्य संख्या से भी जाए, यस, यानी उससे तो भाग जाए ही, अन्य संख्या से भी भाग जाए, तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। साथ ही सभी कंपोजिट नंबर में जो इवन नंबर होती हैं, सब कंपोजिट नंबर होती हैं, केवल दो को छोड़ करके। दो इवन नंबर
है परंतु कंपोजिट नहीं है, ठीक है ना। ये चार नियम हमारे, ये चार नियम भी आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे कि वन जो है एक ना तो वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। दूसरा आता है दो ही केवल ऐसी संख्या होती है जो इवन भी है और प्राइम भी, बाकी सभी इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर चार होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो। समझ आया? किसे कहते हैं प्राइम नंबर, वो इवन नंबर किसे कहते हैं? किसी से भी जिसे दो का पूरा पूरा भाग जाए, इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। और ऑड नंबर किसे कहते हैं? है? जिसमें अब किसी का नहीं, दो का ऑड नंबर होता है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना जाए। अभी तुम्हें एक बार और समझाना पड़ेगा।